आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल 5 जुलाई 2021 को पड़ रही है। पौराणिक किताबों में इस बात का जिक्र है कि जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से आषाढ़ कृष्ण एकादशी का महत्व पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं एकादशी की व्रत कथा। पर उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालक्ष्मी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर के से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के यहाँ ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वे अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वे पापी अतिकामी हैं, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली को जब पता लगा तो वह राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। विचरण करते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उससे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम माली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वे अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ भी समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी सुनाई हुई कथा अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।